बॉलीवुड में इन दिनों स्टार किड्स की एंट्री जोरों पर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अब बॉलीवुड में एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो चुकी है। और इन स्टार किड्स की लिस्ट में जहां जानवी कपूर, ईशान खट्टर, सारा अली खान और ना जाने कितने नाम शामिल हैं, तो अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है। आपको बता दें कि फिल्म मैंने प्यार किया से सलमान खान की हीरोइन के रोल में खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री जहां इन दिनों मीडिया के लाइमलाइट से दूर है, तो वहीं उनके बेटे अभिमन्यु अपने फिल्मी करियर की शुरुआत काफी धमाकेदार तरीके से कर चुके हैं। उनकी फिल्म का नाम है मर्द को दर्द नहीं होता और हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया है जिसमें अभिमन्यु एक ऐसे आदमी के रोल में नजर आ रहे हैं जिसे किसी भी तरह का दर्द नहीं होता, उसे जन्म से ही दर्द ना होने की कोई बीमारी है और साथ ही इस ट्रेलर में वो काफी कूल नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि इस फिल्म के डायरेक्टर वसन बाला हैं जो कि इस तरह की कई अजीबोगरीब फिल्में बनाने के लिए काफी जाने जाते हैं। इससे पहले वो द लंच बॉक्स, रमन राघव जैसी सीरियस फिल्में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट नाइन लाइफ से चांदनी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।